गाइस वेलकम बैक टू एमजी गेमिंग। तो आज अपने खेल रहे हैं फ्री फायर में क्लैश कोड, और ये क्लैश कोड सबसे अलग होने वाला है क्योंकि इसके अंदर अपने जो है स्टार्टिंग के 3 राउंड अपने जीतेंगे, फिर जो है अपने एनिमी को चांस देंगे कि 3 राउंड तुम भी जीतो, और फिर जो है दोनों टीम के पास एक एक चांस बचेगा। देखते हैं कौन भैया कर पाएगा। तो वीडियो जो है बहुत मजेदार है, तो अभी से कह रहा हूँ वीडियो को जो लाइक कर देना, शेयर भी अभी से ही कर दो, और सब्सक्राइब तो चैनल को मैं कह रहा हूँ कर ही दो, तो करना बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सिलेक्ट करके। 10 मिनट का वीडियो है, तो 10 मिनट जो है इस वीडियो को पूरा ही देना, मतलब बहुत मजा आएगा। 10 मिनट का जो तुम्हें जो तुम्हारा टाइम वेस्ट जो है बिल्कुल नहीं होने वाला, तुम्हें उस टाइम के अंदर बहुत ज्यादा मजा आएगा 10 मिनट में। चलते हैं वीडियो में, चलिए शुरू करते हैं। अपने आ चुके हैं, मतलब वीडियो में ही है, तो वो बंदे अपने को दिख चुके हैं। तो बंदा मेरे को दिख चुका है उस वैन के पीछे, मतलब जो भी ट्रक खड़े हैं ना इनके पीछे बंदे जो छुपे हुए हैं, तो अपने इनसे चलते हैं। और पर मेरे को इतनी देर में ऊपर से साउंड आती है कि बंदा जो है ऊपर आ चुका है, तो फिर मैं कहता हूँ चलो ऊपर मार के आते हैं उसे, और मैं देखो क्या करता हूँ उसके साथ। मतलब पीछे से जाके मैंने उसे थप्पा बोल दिया और इसे फिनिश भी कर दिया। अगर ये हरकत मेरे साथ भी हो सकती थी अगर मैं टाइम से वहाँ पे नहीं निकलता सीढ़ियों से। तो अपने आ चुके हैं सेकंड राउंड की तरफ, ओके। तो अपने आ गए हैं, पर अब जो है एनिमी नहीं जाए यहाँ पे रह पाएंगे। देखो कैसे इस राउंड के अंदर अपने कितने किल होंगे, तो मैं बता रहा हूँ आप गैस करो, मैं नहीं बताऊँगा, गैस करो आप, उसके बाद में ये राउंड पूरा होने के बाद आपको दिखाऊँगा। तो अपना एक बंदा वन ऑफ, अब देखो मेरे एनिमी मतलब टीममेट को मारेगा, एनिमी है, ओके एनिमी है वैसे, मारेगा दूसरे यार वो, तो कोई बात नहीं, उसने अपने टीममेट को मारा, मैंने उसका ले लिया पूरा बदला। तो अब जो इधर मेरे को एक बंदा दिखा, मैंने उसे डैमेज देने का पूरा कोशिश कर रहा हूँ, पर वो जो है मेरे साथ छुपन छुपाई खेल रहा है, मतलब हाइड एंड सी, आ रहा है बाहर निकल रहा है छुप जा रहा है, आ रहा है निकल रहा है छुप रहा है। मतलब मैंने कहा तुम ऐसे करो छुपे रहो, मैं हील करता हूँ अपने आप को, और मैंने अपने आप को हील किया। इतनी देर में देखो मेरा टीममेट जल्दबाजी में गया और उसको पड़ गया पीछे से, और मैंने जो है फिर उसके पीछे से दे दिया, मतलब तमाचा, मतलब पीछे से शॉट दे दिया उसे और मार दिया। और ऊपर मेरे को एक बंदा दिख चुका है, तो अब उसे भी मारना जरूरी है, क्योंकि मारेंगे नहीं तब तक तो विक्ट्री नहीं होगा यार, विक्ट्री भैया तो यार बहुत दूर है अभी, तो विक्ट्री का मजा उठाओ तुम। उसको भी मारा और विक्ट्री कर लिया। तो वीडियो को जो है लाइक कर दो अभी से, और जैसे मैं बता रहा हूँ सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लो, इतना काम करो अभी जाके, मैं कह रहा हूँ कर लो। और इस राउंड के अंदर तुम्हें क्योंकि बहुत ज़्यादा मजे आएंगे, तुम मेरे को लग रहा सभी भूल जाओगे दुनियादारी। तो देखो मैंने ग्रेनेड डाल दी नीचे, पर मेरी एक गलती थी क्योंकि मेरे को यहाँ ग्रेनेड नहीं करना चाहिए था, पर कोई बात नहीं है, इसका बदला हम लेगा। अपना एक टीममेट नॉक हुआ है, देखो उसका नाम क्या है, राजक। तो राजक को नॉक और फिनिश भी कर दिया। और एक देखो डीजे स्नेक, मतलब डीजे स्नेक है अपनी टीम में, तो यार डीजे स्नेक के लिए मैं कह रहा हूँ लाइक ठोको, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो, ठीक है इतना काम करो। तो अपने ने वैसे कुछ नहीं किया अभी तक, तो आया बंदा और इसको दिया ठोक और फिनिश भी कर दिया मैंने। तो लाइक करो लाइक वीडियो को, और इतने में नीचे से देखो बंदा आता है, इसको भी किया, और इसके पीछे देखो दूसरा बंदा भी आ गया। मतलब इन्होंने सोच लिया था कि ऊपरा ऊपरी मारेंगे दोनों उसको अकेले बंदे को, पर मैंने देखो दोनों का भूत बना दिया। और इतनी देर में नीचे से देखो लास्ट इनका बचा होता एक बंदा, वो मतलब इतना डर गया था अकेला, उसके साथ देखो मैं क्या सीन करता हूँ अब, मतलब वो डरा हुआ बंदा है, मतलब बिल्कुल उसको कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें, मजा आया इतनी धीरे धीरे आ रहा है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या उसने उसने सोचा कि क्या होगा मेरा। तो डरना क्या यार, मतलब आए हो मैच राउंड जीतो हारो इससे क्या मतलब, बस अपनों ने वैसे 1v4 कर दिखाया, तो मैं कह रहा हूँ उसके लिए यार लाइक शेयर बनता है। और अब जो अपने चांस तीनों की तीन एनिमी को देंगे, एनिमी की टीम को, तो वो अब जीतेंगे 3 राउंड, और उसके बाद जो है दोनों के पास दोनों टीम के पास एक एक चांस होगा। तो देखते हैं फिर जो है कौन लेके जाएगा मैच को। तो वो तो देखो मैच बहुत इंटरेस्टिंग बनाया यार, मतलब बहुत मज़ा आया, आपको भी मज़ा बहुत आएगा मेरे को पक्का पता है इस वीडियो के अंदर। तो बंदे मेरे को दिख चुके हैं, तो एक बंदा दिखा, मैंने सोचा यार नॉक करके किल उठाते हैं उसका, देखो सामने घूम रहा है यार, किल तो उठाना बनता है, नॉक किया मैंने। और उसी के बाद देखो उसका मेरे को किल मिल चुका है, तो अब दूसरा बंदे को अपने टीममेट ने कर दिया नॉक, पर
इतनी देर में मेरे पीछे बंदा आ जाता है, पर मैंने जो है मैंने सोचा यार कोई बात नहीं है, मारने दो इसे, कितना मारेगा। पीछे से मेरे को इसने कर दिया नॉक और मैंने सोचा सेल्फ रिवाइव ले लेते हैं, पर इसने फिनिश भी कर दिया। सेल्फ रिवाइव भी नहीं लेने दिया, मतलब क्या करते हो, पर मेरे को चाहिए भी नहीं था सेल्फ रिवाइव। मैंने सोचा कोई बात नहीं है, तीन राउंड अपने ने वैसे ही इनको ही देने हैं तो क्या यार। तो इनको तीन राउंड दिए, पर अपने ये टीममेट देखो मतलब पूरे जोश में था, पर एनिमी ने इसका जोश ठंडा कर दिया। और इसका क्या नाम है, इसका नाम वही है, मतलब ये आपको पता होगा पिछले राउंड में मैंने इसका नाम बोला था तो मेरे को नहीं पता इसका नाम क्या है, वैसे लिखा ही ऐसे हुआ है तो मेरे को पूरा शो भी नहीं हो रहा। तो अपने आ चुके हैं लास्ट, मतलब जो अपना तो लास्ट राउंड ही है वैसे, पर अपने जो तीन राउंड उनको दिए हैं तो उनके पास मौके हैं अभी, तो वो जीतेंगे तो कोई बात नहीं है। अपने आ चुके हैं यहाँ पे आगे की साइड में बंदों को मारने के लिए। मैंने सोचा आराम आराम से जाएंगे, बंदे अगर मरेंगे तो ठीक है, अगर नहीं मरेंगे तो कोई बात नहीं है, अपने ने क्योंकि चांस उनको दिए हुए हैं। तो अपना टीममेट देखो, एक बंदा नॉक भी कर दिया उसने, उसको कोई ज़रूरत नहीं थी इस चीज़ की, बट उसने कर दिया। इतनी देर में मेरे सामने से बंदा आता है, मैंने मतलब सोचा उसको मारूं, बट उसने मेरे को पहले ही डैमेज कर दिया। और कोई बात नहीं, मैं एक बंदे का भी किल इस राउंड में मेरे को नहीं लग रहा उठा पाऊंगा, और अपना टीममेट वैसे मेरे को लग रहा नज़दीक आ रहा है, रिवाइव कर देगा तो किल, एक तो किल उठा के लेके जाएंगे इस मैच में, मतलब इस राउंड में, तो देखते हैं। और वैसे अपने किल जो है 9 हो चुके हैं, मतलब अच्छी खासी बात यह है, अपने जो है इतने राउंड के अंदर हो चुके हैं अच्छी खासे किल। तो ये भी जो है नॉक हो चुके, इसको भी फिनिश कर दिया उन्होंने। तो अब जो अपना लास्ट बंदा है ये बचेगा, तो ये मेरे को नहीं लग रहा कुछ करेगा, नूबड़ा लग रहा है मेरे को कोई, वैसे पता नहीं क्या कर रहा है, नेट इसका लग रहा है। और ये कौन है, सुहानी, मतलब सुहानी से बदला लेगा कौन, इसने क्योंकि अपनी टीम को धूल चटा दी, पर सबसे पहले अपने ने इनको चटाई थी धूल। और आगे भी देखते हैं क्या करते हैं, लास्ट में जो है गजब सीन होने वाला है बहुत ज़्यादा ही, तो मजा मतलब इनटू 100 होगा लास्ट वाले राउंड के अंदर, क्योंकि दोनों के पास 1v1 मतलब राउंड होंगे, चांस होगी 1v1 चांस होगा, एक एक चांस दोनों को मिलेंगे, तो वो मतलब जो है देखने लायक होगा लास्ट का सीन। तो बंदे सामने मेरे को दिख चुके हैं, तो अपने क्या करेंगे, नूबड़ों की तरह चल के जाएंगे बिल्कुल। और मैं जो है देखो क्या करता हूँ, और अपना डीजे स्नेक देखो, उसका मेरे को लग रहा है नेट का इशू चल रहा है, डीजे स्नेक का या नेट का इशू कब से होने लग गया, वो तो यार पता नहीं क्या हुआ डीजे स्नेक के साथ, उसका नेट ही जो है ख़त्म, मतलब हग दिया मौके पे। तो कोई बात नहीं है, अपने नॉक हो चुके हैं, और ये राउंड उनके लिए भी लास्ट राउंड है वैसे, क्योंकि चांस जो अपने दिए थे वो लास्ट चांस है इनके लिए, और उसके बाद मतलब दोनों चांस वैसे तो रहेंगे, चांस दोनों टीम के पास एक एक, बट उसमें हमें जो है मैच फाइनल करना होगा दोनों टीम को एक एक राउंड के अंदर। तो देखते हैं कौन सी टीम जो है बुइया करके लेके जाएगी। तो अपने आ चुके हैं आगे की साइड में, बंदों को फटाफट से धड़ पैड़ करने के लिए, तोड़ फोड़ने के लिए। तो मैं इस एल शेप के ऊपर जाऊंगा, क्योंकि सबसे सेफ जगह मेरे को यही लगती है, क्योंकि अगर आपको कोई मारे तो अंदर घुस जाओ, अगर मतलब अंदर से कोई मारे तो बाहर निकल आओ, मज़ा आ जाता है। तो मैं यहाँ से नज़र कड़ाए बैठा हूँ, नीचे जो डोर है आपको दिख रहा होगा, पर अपने पीछे देखो एक बंदा नॉक हो जाता है, उसका नाम है कृष्णा, और कृष्णा है, तो कृष्णा हो चुका है नॉक। तो अब जो है उसको रिवाइव अपने दे पाएंगे तो वो तो देखते हैं। अपना है दूसरा बंदा भी डीजे स्नेक भी नॉक हो चुका है, क्योंकि उसका यार मेरे को लग रहा है ये तो नेट हग रहा है, तभी वो जो ऐसा खेल नहीं पा रहा अच्छे तरीके से। तो अब जो है मैं इसको रिवाइव देने का पहले सोच लेता हूँ, मैं सोचा रिवाइव देते हैं, रिवाइव ज़रूरी है क्योंकि अपने जब तक टीममेट नहीं होगी अपने चांस बहुत कम हो जाते हैं जीतने, तो मैंने सोचा रिवाइव देते हैं और अपना चांस जो है ले लेते हैं। तो मैंने जो है रिवाइव किया अपने टीममेट को, और उसने जो है एक किल करने में मेरी हेल्प की, मतलब उसने थोड़ा बहुत डैमेज किया होगा, पर किल जो है मैं उठा के लेके चला जाता हूँ, किल चोरी हो जाता उसका, किल चोर हूँ वैसे, मैंने किल चोरी नहीं किया, नहीं तो अगर मैं नहीं मारता तो यार अपना टीममेट फिर से नॉक हो जाता, इसलिए मतलब समझा करो यार। तो अब जो है मेरे को सामने बंदा दिख चुका है, तो अब मैं जो है यहाँ पे आ जाता हूँ, मेरे को पता था कि वो जो है एल शेप पे जाएंगे, क्योंकि मैं जो है पूरा घूम गया हूँ इस मैप के अंदर, इस सर्कल के अंदर, क्योंकि मैं कब एल शेप में था और कब जो है मैं कहाँ पे आ चुका हूँ। अब मेरे को जो यहाँ से साउंड आती है, मैं यहाँ पे चलता हूँ, और मैंने सोचा बंदा यहाँ पे है,
तो किल उठाते हैं फटाफट से, साउंड तो यहीं से आ रही थी पर मेरे को यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा, पर अपना टीममेट वहाँ से आया इधर, तो मेरे को कंफर्म हो गया बंदे यहीं पे है और मैंने इसको डैमेज दिया, यही सुहानी। तो देखो अब मैंने जैसे ही ग्रेनेड निकालूंगा ना, ये देखो कहाँ पे भागेगी, मैंने सोचा ग्रेनेड यहाँ क्यों, फिर वहाँ करते हैं जहाँ पे ये जा रही है। देखो किल मिला ना, तो इसको अंदर देखो सेल्फ रिवाइव ले रहे हैं यार, क्यों लेते हो। तो इसको मैंने किया फिनिश, तो इतनी देर में देखो मतलब ये मेरे को डैमेज कर दिया इसने, हिल बैटल तो नहीं हो सकता, तो फिनिश करते हैं। तो इसी के साथ अपनों ने भुया कर लिया। तो ये वीडियो जो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करना इस वीडियो को, जितना हो सकता है इस वीडियो को फैला दो, मैं कह रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप सभी ग्रुप में इसे शेयर कर दो वीडियो को। तो आपको स्क्रीन पे वीडियो दिख ही गया होगा और क्लिक करो, मैं मिलता हूँ उस वीडियो के अंदर।